अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोग को हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मैट्रिसेस है। तो चलो अब टाइम ज़ाए के बगैर अपने वीडियो के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5, ये तीन एक्सरसाइज है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये करने वाले हैं। इसको करने से पहले हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज के इस वीडियो में हम ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस में एडिशन किस तरह किया जाता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। तो देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो मैट्रिसेस है, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, मैट्रिक्स को हम इस चीज से डिनोट करते हैं जो दो लंबी डंडियां बनी है, एंड बी इज इक्वल्स टू 4, 6, 9, 10। अब हमें कहा जा रहा है 5 A+B। अगर मैं आप लोगों को ये एक एग्जांपल समझाऊंगा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैट्रिक्स का एडिशन समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले A+B, यानी सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो कि 2, 3, 5, 6, फिर साइन में प्लस, फिर 4, 6, 9, 10। सबसे पहले आप एडिशन में एक चीज समझ लो, मैट्रिक्स में ये कहलाता है रो, इसको हम रो पढ़ते हैं, और ये कहलाता है कॉलम, इसे हम कॉलम पढ़ते हैं। तो ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम। अब आते हैं, देखते हैं एडिशन में किस तरह होता है। तो एडिशन में आपने क्या करना है, सिंपली रोज को आपस में प्लस, जैसे 2+4, 3+6, 5+9, 6+10, ये एडिशन का रूल है। तो आपने सिंपली लिख दिया 2+4, फिर स्पेस दे के आगे 3+6, फिर 5+9, स्पेस दे के आगे 6+10, 2+4, 6 हो गया, 3+6, 9 हो गया, 5+9 कितने हो गए, 14 हो गए, और 6+10, 16। ये आपके पास क्या आ गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी सिंपल आपको जो पहले रो में पहला है उसके दूसरे रो के पहले के साथ प्लस कर दो, 2+4, 3+6, 5+9 और 6+10, ये आपका एडिशन का तरीका है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इससे पहले हमने एडिशन देख लिया, अब सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। इफ हमारे पास ए इज इक्वल्स टू 5, 3, 9, 4 और बी हमारे पास है 2, 1, 0, 3, देन फाइंड ए माइनस बी। करना क्या है, सॉल्यूशन ए माइनस बी, सबसे पहले मैट्रिसेस ए, फिर माइनस का साइन, फिर मैट्रिक्स बी। जैसे एडिशन में किया था, पहला पहला ऐड किया था, दूसरा दूसरा ऐड किया था, तीसरा तीसरा ऐड किया था, चौथा चौथा ऐड किया था, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी करना है कि पहला पहले से माइनस किया, दूसरा दूसरे से माइनस किया,
तीसरा तीसरे से माइनस किया और चौथा चौथे से माइनस किया, तो 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 3 1। ये आपके पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, तभी आपके मल्टीप्लीकेशन होगा, वरना अदरवाइज आपके मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएंगे। जैसे एग्जांपल में मैं देखता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन, इफ हमारे पास ए दिया हुआ है 3 2 एंड बी दिया हुआ है 1 5। अब हमें फाइंड करना है ए बी, या आप इसे कह सकते हो ए क्रॉस बी कह सकते हो। अब देखना हमारे पास क्या है, ए बी मालूम करना है तो हमें देखना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अब देखो नंबर ऑफ रोज यहाँ कितने हैं, एक, यहाँ भी नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास, एक मौजूद है। अब नंबर ऑफ कॉलम 1 2, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है, तो यानी आप इसको 3 से 1 मल्टीप्लाई, 2 से 5 मल्टीप्लाई, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ये आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में नहीं इक्वल होंगे तो नहीं होगा, यानी आप ये नहीं देखने के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, नहीं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ये इक्वल है तो आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेबल है। जैसे नंबर ऑफ रोज एक, नंबर ऑफ कॉलम भी एक, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो किस तरह देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ये 3 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह पे 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस बीच में साइन और 2 मल्टीप्लाई 5, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 5 जा 10, यानी आपने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम चेक करने ये इक्वल होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके सिंपल एग्जांपल कि किस तरह आपको समझ में आ जाए। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 b 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 7 9 एंड 5 6, फाइंड ए बी मान सॉल्यूशन। मेथड क्या है हमारे पास, वही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं कि ये सेम होने चाहिए, तो देख लेते हैं नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो इसलिए मल्टीप्लीकेबल है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरह करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आपने करना क्या है, 1 मल्टीप्लाई 7 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, फिर यही तरीका 1 स्पेस दे क्या क्यों मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 6, नीचे इस तरह 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, स्पेस देके 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6, 7 1 जा 7 2 5 जा 10 9 1 जा 9 2 6 जा 12 3 7 जा 21 5 4 जा 20 3 9 जा 27 4 6 जा 24। अब इसके बाद इन दोनों को सबको प्लस करो, 7 और 10 17 9 और 12 21
और ये 41 और ये आपके पास 7 और 4 11 1 2 2 4 1 थी आपके पास मल्टीप्लिकेशन। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो के एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम यही एडिशन, यही मल्टीप्लिकेशन, इस पे मजीद क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह।